दर्शकों, हमारे एक मुलाकात के कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर हाल ही में अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर पद पर काबिज हुए प्रसंग सराफ से। दर्शकों, ये हैं प्रसंग सराफ, जिन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अंकुर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2012 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अहमदाबाद के HL कॉलेज से BCom करने के साथ में विश्व के 3 प्रमुख बिजनेस कॉलेज से क्रेडिट कोर्स किया, जिसमें 2013 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 2014 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर व 2015 में किंग्स कॉलेज लंदन से पूर्ण की। उसी के साथ 2013 में कुवैत व 2014 में श्रीलंका में हायर एजुकेशन समिट में हिस्सा लिया। उसके बाद GMAT की परीक्षा देकर SPJ स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से ग्लोबल MBA किया। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर व दुबई में एक एक सेमेस्टर क्लियर किया गया। इसके बाद मिडल ईस्ट की लीडिंग FMCG डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य किया और अब बांसवाड़ा के अंकुर शिक्षण संस्था में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में विश्व की नंबर 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रवेश लिया है। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रवि राठौर आप सभी वागड़वासियों का स्वागत करता हूं गोल्डी डिजिटल और गोफन टीवी के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर हम आपको हमारे वागड़ की प्रतिभाओं से रूबरू करवाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है अंकुर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में हाल ही में डायरेक्टर पद पर कार्यरत प्रसंग सराफ से। प्रसंग, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों को मैं बताना चाहेंगे कि इन्होंने हाल ही में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अंकुर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। हम इनकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। प्रसंग, आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपने जो विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करी है उसमें आपके क्या अनुभव रहे, आप क्या बदलाव महसूस किया? भारत की तुलना में विदेशों में लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल और ग्रुप स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यही एक वजह है कि नॉर्वे, जापान जैसी कंट्रीज़ में 100% लिटरेसी है। मैंने अपने अनुभव में भी यही महसूस किया कि हमारी ज़्यादातर स्टडीज़ लेबोरेटरी में होती थी या ग्रुप स्टडीज़ में होती थी, जहाँ हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे। उससे नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और उससे आदमी की इंसान को अपनी काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा होता है। मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा और ये एक बहुत बड़ा अनुभव होगा आने वाले बच्चों के लिए। मतलब क्रिएटिविटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। एक बात हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आपने जो उच्च शिक्षा हासिल करी, अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग संस्थाओं में अपनी डिग्री हासिल करी, आप इन डिग्रियों के मुकाबले आप किसी भी विदेश में बड़ी कंपनी या संस्था में आप किसी भी अच्छे पद पर काबिज हो सकते थे, आपने शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना, ये हम जानना चाहेंगे। मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इस सेक्टर में काम करते हुए देखा है, वो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई के दौरान और मेरी पढ़ाई के बाद भी मैंने महसूस किया है कि इंडिया में इसमें बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा ये लक्ष्य था कि अगर मैं 1% भी अपनी शिक्षा का इसमें दे सकूँ और अपने शहर और अपने देश में इसका विकास कर सकूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कह करके इस शिक्षा, मतलब जहाँ पर अभी हमारे वागड़ ट्राइबल बेल्ट बोलते हैं जिसको, वागड़ क्षेत्र में यहाँ पर शिक्षा की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसमें आप काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने हाल ही में इस शिक्षण संस्थान से जुड़कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक हेल्प बुक भी तैयार किया आपने, उसके बारे में आप बताएं, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 10th में था, तो मुझे सब्जेक्ट चूज करना था, तो मेरे सामने भी डिफिकल्टीज आई थी और पिछले 1 ईयर में मैंने जो बच्चों से इंटरेक्शन किया, हमारे विद्यालय में जब इंटरेक्शन किया, मैंने महसूस किया कि बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं होते हैं और अगर क्लियर होते हैं तो उनको उसकी पाथ नहीं पता होती है। मेरा ये मकसद था कि इस किताब के थ्रू मैं उनको बता सकूँ कि वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, जो फील्ड उनको नहीं पता है, जिनके बारे में उन्होंने नहीं सुना है, वो कैसे हासिल कर सकते हैं और उनमें जाने का क्या तरीका है। तो उन सबको हमने तीनों सेक्टर को इसमें डाला है और मुझे लगता है कि इससे सभी बच्चों को क्लियर आइडिया मिलेगा अपने फ्यूचर को लेकर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अमूमन या साइंस या कॉमर्स और आर्ट्स में तो भाई इंजीनियरिंग लाइन, मेडिकल लाइन मैक्सिमम या IT, इसके अलावा तीसरा कुछ भी सब्जेक्ट बच्चों को दिमाग में, तो इसी के पीछे बच्चे लगे। आपका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इस बुक के पीछे।
चलिए अब एक बात और बताइए प्रसन्न, अगर बांसवाड़ा जिले के विद्यार्थी भी विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उनके लिए कोई संदेश? इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स जो कम विधि का है उसके लिए जा सकते हैं, या लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए जा सकते हैं। नॉर्मली दो टेस्ट आपको पास करने होते हैं, एक इंग्लिश या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जैसे जीमेट हो गया, जीआरई हो गया, जो साल भर होते रहते हैं, 365 डेज वो होते हैं। ये दो टेस्ट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, वो आपको इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है किसी भी कोर्स में या किसी भी कंट्री में जाने के लिए। जो सबसे प्रमुख देश है जिसमें जा सकते हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जर्मनी, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अलग अलग कोर्स करने। मतलब इस माध्यम से वे विदेश में जाके अपना, मतलब एक पहले एक आपको डिसीजन लेना किस तरीके से क्या करना है, उसके बाद वो आप विदेश में जाके उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई प्रसन्न आपने। अब मैं ये जानना था प्रतियोगिता का या योग्य कॉम्पिटिशन दौड़ भाग, मार्क्स के पीछे भाग, फर्स्ट आने की, आगे आने की दौड़ भाग, माता पिता भी अपने बच्चों को लगातार एक तरीके से दबाव ही होता है, ऐसे में बच्चों को इस तनाव से दूर करने के लिए कुछ? तनाव का प्रमुख कारण मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। जीतने की होड़, उनको आगे बढ़ने की होड़, उसमें क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। जो मैंने अनुभव किया है विदेशों में, लोग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और अपनी खुद की काबिलियत पर भरोसा, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हर पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर उसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस करे तो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, वो बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होगा। उसको मोटिवेट करते रहे टाइम पर और पढ़ाई से बढ़कर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उसको इन्वॉल्व करें, और जो स्पोर्ट्स वगैरह है उससे एक बहुत ही अलग पॉजिटिविटी आती है बच्चे में। मतलब बच्चों के अंदर जिसकी मतलब आज की तरह क्या हो गया, जो क्षमता है, जैसे बच्चा 10 नंबर लाने वाला उसको बोलो तो 100 नंबर लाए, वो संभव नहीं होता, और फिर उसके बाद उसके दुष्परिणाम देख रहे आए दिन, इस तरह से कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। मतलब उसकी क्षमता के हिसाब से उसको बस क्रिएटिविटी बनाओ, ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रसन्न अब आप हमें बताएं कि आप, जैसा आपने बताया कि आप क्रिएटिव पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आप अंकुर शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, अंकुर सिंह विद्यालय के बच्चों के लिए भी आपने ऐसे कोई प्रयोग शुरू किया है क्या? पिछले एक वर्ष में हमने 3 नई लेबोरेटरी का सेटअप किया है, जिसमें एक रोबोटिक्स लैब है जिसमें हमने लेगो डेनमार्क से सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, साथ ही में हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज लैब का सेटअप किया है जो ओरल US से हमने परचेज किया है, और इसके साथ ही हमने एक फिजिक्स लैब में थिंक प्रोडक्ट्स का ऐड किया है, जिससे छोटे बच्चों को भी हम फिजिक्स का एक बचपन से ज्ञान दे सकें। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में हमने रिसेंटली न्यू स्विमिंग पूल इस्टेब्लिश किया है, जिससे बच्चों को बांसवाड़ा में दो गेम्स हैं जितना डेवलप नहीं हुआ, एक टेनिस है और एक स्विमिंग है, तो वो हमने इस साल ऐड कर इसमें जोड़ा है। बिल्कुल अच्छी बात बताई प्रसन्न। जाते जाते एक सवाल आखिरी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उच्च शिक्षा हासिल करें, मुकाम हासिल किया, आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अब हम ये जानना चाहेंगे आखिर में कि युवाओं और विद्यार्थियों को अपने करियर को पॉजिटिव किस तरीके से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जाए, उसके लिए कुछ बताएं। पहले तो अपनी फील्ड पहले से सेट करें, कहीं अच्छी गाइडेंस लेकर डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। कंफ्यूज ना रहे कि आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, किसी के प्रेशर में आकर सब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें, किसी के प्रेशर में आकर फील्ड सिलेक्ट ना करें, और अपना पूरा फोकस पढ़ाई के रखने के साथ साथ अपनी हॉबीज पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा रखें। जो आज देश में हो रहा है कि अलग अलग जगह स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर भी अपना फोकस बढ़ाएं, और समय समय पर स्पोर्ट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते रहें, एक्टिविटी करते रहें, इससे कभी डिप्रेशन नहीं आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हमारे वागड़ के सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि इसके बाद आप अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छे भविष्य के लिए, खास करके विद्यार्थी और युवाओं के लिए यही बात है कि आप अपने क्रिएटिविटी पर फोकस रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें। प्रसन्न आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।